खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा ने नगर निगम कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान अपनी 4 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई हैं। महापौर ने कहा कि 1 अगस्त 2022 को शपथ लेने के बाद मुख्य समस्या मीठे पानी की थी, जिसका DPR बनवाकर 199 करोड़ की अमृत 2 योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए तत्काल भेजा गया। विगत 20 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ और रीवा के लोगों को आज भी दिन में 2 वक्त कुछ वार्ड में ही 30 मिनट बमुश्किल पानी मिल पाता है। महापौर ने एकल खिड़की के संचालन के साथ साथ 1 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 4 महीनों में जो निविदाएं की गईं, उतनी निविदाएं भाजपा शासन काल के 23 वर्षों में इतनी 4 माह में नहीं निकाली। इस दौरान महापौर ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ भाजपा के पूर्व महापौरों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही भूमि पूजन के नाम पर की जा रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने, सड़कों के निर्माण, नाली सीवरेज के कार्य सहित अन्य उपलब्धियां गिनाई हैं। आइए आपको सीधा ले चलते हैं नगर निगम, जहाँ महापौर अजय मिश्रा बाबा पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इस पत्रकार वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुंजय के और रीवा के जनता के आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना। 1 अगस्त 2022 को हमने शपथ ली और 30 नवंबर 2022 यानी आज के दिन 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। रीवा की जनता ने इस बार सभी को दरकिनार करके अपने सेवक को, जमीन के आदमी को रीवा का महापौर बनाया। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 4 महीने में जिस उम्मीद से उन्होंने हमको महापौर बनाया, तो मैं कितना खरा उतरा ये आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। पहली MIC की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। MIC के गठन के बाद हमारे MIC के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे, उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि ये जवाबदाही अब हमारी हो गई, ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। पर अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा, वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है, मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं।
पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा, अशुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। एक महीने में इसकी निविदा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी लास्ट तक में ये कार्य भी चालू हो जाएगा। साल डेढ़ साल के अंदर इस योजना के 158 करोड़ से हम रीवा की जनता को पानी पिलाएंगे। सत्र 2022 को अपने संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों ने एक चतुर्थ श्रेणी महिला से एकल खिड़की चालू कराई। उस एकल खिड़की का ये परिणाम निकला कि रीवा के लोगों को जो हर टेबल में भटकना पड़ता था अब नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी नियमित मॉनिटरिंग हम और रीवा आयुक्त कर रहे हैं, उसका परिणाम अच्छा आना शुरू हुआ, इसकी हमें बहुत खुशी है। आप लोगों के द्वारा भी मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है एकल खिड़की को लेकर, हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेयर हेल्पलाइन का टेंडर खुल गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे पड़ा हुआ है, 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही वो हो जाएगा तो रीवा की जनता को एक और सौगात हम देंगे, वो होगी मेयर हेल्पलाइन। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, 15 वर्ष से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने पूर्व बनी, ये कांग्रेस की महापौर और MIC के कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज से उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैंने ये कहा था कि 110 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो नाली सीवरेज के कारण डैमेज हुई हैं उसे हम बनवाएंगे। 16 में इसके गवाह इसके साक्षी आप लोग हैं। जब वर्ष 2016 में सीवरेज प्रोजेक्ट आया तो उसका हमने और हमारे कांग्रेस साथियों ने भरपूर विरोध किया कि KK स्पॉन कंपनी एक डिफॉल्टर कंपनी है सभी प्रदेशों में, और उसके सारे परिणाम भी हमने दिए, ठोस सबूत दिए, पर भ्रष्टाचार करने के लिए उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे, उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उस सीवरेज योजना को लागू कराया और उसका आज ये परिणाम है कि पूरे शहर की 110 किलोमीटर सड़क, 30 किलोमीटर नाली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने 3 रोडों का भी डामरीकरण का टेंडर करा दिया, उत्पल मोटर से जनता कॉलेज रोड, जनता कॉलेज से श्री जी जो कॉलोनी बनी वहां तक, और आपके बजरंग नगर से ब्लॉक तक, ये 3 सड़कों का डामरीकरण का टेंडर हमने करा दिया है और जो सड़कें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आज ही मैंने आयुक्त से बोला है कि 70 लाख रुपए का एक शहर के सीमेंट के पैच वर्क का अलग टेंडर निकाला जाए 4 वार्डों का, जिसके पास मशीनरी हो जिससे वो वहां पर करे और बैरिकेटिंग करके उसको ठीक करे। 9752 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए शहर के अंदर। ये विकास की परिभाषा बताने वालों के लिए है कि जो रीवा को महानगर की श्रेणी में बात करते हैं, दुबई सिंगापुर बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 9752 गड्ढे हमने चिन्हित कराए हैं। और मैंने तत्काल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम दोनों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी ये सारे गड्ढे
भरे जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। रीवा की जनता को रीवा विधायक राजन शुक्ला जी से यह पूछना चाहिए कि 2019 से कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हुआ 2019 में, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना जैसे महामारी आ गई जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद भी आपकी सरकार ने संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता कर क्यों बढ़ा दिया, उसे आपने लागू क्यों कर दिया? नगरपालिक नियम अधिनियम 1954 की धारा 37 के नियम 5 के उपनियम में उल्लेखित है कि जब महापौर और पार्षद निर्वाचित नहीं रहेंगे तब उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की अनुशंसा लगेगी और वही उस समय कार्यों को की मॉनिटरिंग भी करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, ये पद्मर पार्क बड़ा ऐतिहासिक पार्क है और ऋतुराज पार्क तो इसलिए हमको ध्यान रहेगा कि हम लोगों का खड़े होने की जगह ही ऋतुराज पार्क है। अगर वहाँ हम लोग खाली हैं और नहीं गए तो ऐसा लगता है कि अभी रीवा में सब कुछ सुना है। पद्मर पार्क की निविदा लग गई है, एक दो दिन में पेपर प्रकाशित हो जाएगी। ऋतुराज पार्क में हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है, उसका भी DPR बन गया, 5 दिन के अंदर उसकी भी निविदा प्रकाशित हो जाएगी। दोनों निविदाएँ प्रकाशित हो जाएंगी। ऋतुराज पार्क को हम लोग खेल का मैदान बनाएंगे, वो भी बच्चों के लिए। वो वहाँ पर कोई आयोजन नहीं होगा, 2 बास्केटबॉल ग्राउंड बनाएंगे और 1 कबड्डी का बनाएंगे, बाकी उसकी सब बिल्डिंग विल्डिंग डिसमेंटल कर देंगे। बहुत जल्दी ये दोनों निविदाएँ 10 दिन के अंदर पेपरों में आ जाएंगी। ये जो टैक्स का बोझ है, आपने इसमें लिखा है कि कम करने की कोशिश करेंगे, घोषणा पत्र जो था संकल्प पत्र उसमें तमाम चीजें बहुत प्रॉपर मेंशन थी, ये चीजें कर ही दी है, ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्या राज्य सरकार से टकराव की स्थिति शुरू हो रही है या फिर ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप काम कर सकते हैं? माइक्रो जल कर, संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, ये सारे कर जो अधिरोपित किए गए ये राज्य शासन के आदेश से निरूपित किए गए। इनकी डिमांड शुरू में भी थी, जब हम लोग पार्षद थे तो भी ये लगातार वहाँ से दबाव बन रहे थे कि ये सारे कर बढ़ाए जाएं, क्योंकि ये मध्यम वर्गीय परिवार का शहर था, हम लोग परिषद में विरोध करते थे इसलिए नहीं बढ़ाए गए। जो कर बढ़ाए गए वो कर बढ़ाने का समय जो हुआ आया कि 12 अप्रैल 2022 से सारे कर बढ़ाए गए। उस समय रीवा में ना कोई 45 वार्ड के पार्षदों का निर्वाचन हुआ था ना महापौर का, सारी मॉनिटरिंग रीवा के विधायक देख रहे थे। अगर और उन्हीं की सरकार थी, स्टेट में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, अगर वो चाहते तो ये कोई भी कर नहीं बढ़ सकते थे। और जहाँ तक आपने बोला कि आप घटा क्यों नहीं सकते हैं, तो जो कर का आदेश राज्य शासन से आता है उसको खत्म करने की प्रक्रिया भी उसी तरह है। हम MIC के माध्यम से परिषद और परिषद के माध्यम से राज्य शासन तक ले जाकर इसे खत्म कराएंगे। मैंने 1 तारीख को शपथ लेते ही ये संकल्प लिया था कि चूंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रीवा की जनता के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ है तो हम सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। उसके खर्च में जो 30-40 हज़ार रुपये आता है वो रीवा नगर निगम के काम आएगा। जिन नेता ने, वरिष्ठ नेता ने ये बोला है, मैं आप लोगों के माध्यम से उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्चूनर गाड़ी में मैं चढ़ रहा हूँ ये मेरी नहीं, ये मेरे बड़े भाई शिल्पी इंफ्रा के मालिक श्री राजेंद्र शर्मा जी की है। बड़ा दबाव था प्रशासन का कि आप कैबिनेट मंत्री से छोटे और राज्य मंत्री से बड़े उप मंत्री के दर्जे में आते हैं तो आपको प्रोटोकॉल पे चलना होगा। हमने कहा हम नहीं चल पाएंगे भाई,
हम रीवा की जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, गाड़ी में घूमने के लिए नहीं। तो राजेंद्र शर्मा जी ने ये गाड़ी खरीदी और हमको देकर ये बोला कि जब तुम्हारे पास कोई अपनी नई वाहन आ जाएगा तब तुम इसको हमको लौटा देना। तो जिन नेताजी ने आपसे बोला है वो नेताजी किराए की गाड़ी में चढ़ते हैं, मैं तो फ्री की गाड़ी में चढ़ रहा हूँ। और वो नेताजी, मैं समझ गया जहाँ उन्होंने बोला है, वो नेताजी तमाम रीवा की सरकारी जमीनों को बेचे हैं और वो नेताजी ने बहुत से घोटाले भी किए हैं। जब 2023 में हमारी सरकार बनेगी तो उन नेताजी के सारी पोल में आपको खुल नहीं, उस ओर तो हमारा ध्यान गया। हमने सिरमौर चौराहे पे पहला फोकस हमारा सिरमौर चौराहा था, हमने उसको खाली कराया। पर रीवा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगाकर रीवा कमिश्नर कलेक्टर एसपी को इतना फोर्सली बोला कि नहीं, ये ठेला तो रोड में ही लगेंगे। और मैं तो आपको बता दूं, मैं जब निकलता हूं कभी कभी जाम लग जाता है तो मैं खड़ा होकर ट्रैफिक व्यवस्था खुद बनाता हूं। ये तो मजबूरी है कि रीवा पुलिस कोई सहयोग नहीं करती और नगर निगम का माड़ा उड़नदस्ता का अमला 24 घंटे इसी काम में लगा रहता है कि जो ठेला है वो व्यवस्थित हो। बहुत जगह हमने व्यवस्थित कराई है, आपने देखा होगा बहुत दिनों बाद कि जब आप कोठी मार्ग आइए, ये चौराहा, ये आबादी के हिसाब से शहर बड़ा हो गया और ट्रैफिक की व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से नहीं है, उसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। ये विषय में दोबारा बात करेंगे और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उन लोगों ने ये स्वीकारा 4 महीने बाद कि महापौर ही सर्व कुछ होता है। अभी तक तो उन्होंने ये माना ही नहीं था, वो तो ये मानते थे कि MIC अब महापौर से बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। तो अगर उन्होंने माना तो इसका जवाब हम आपको कुछ दिन बाद जरूर देंगे। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया जाता है जो हमें समय दे और उसकी अपनी एक अपनी पहचान हो और जिसका अपना एक दायरा हो, जो हमें अधिक से अधिक समय देगा उसी वही मोटिवेशन करेगा। देखिए क्या है कि पहली बात तो उसे ब्लैक लिस्टेड होने ही नहीं दे रहे थे यहाँ के भाजपा के नेता। इसके लिए तो नगर निगम कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग पार्षद नहीं थे पर हमारी उनकी लगातार चर्चा हुआ करती थी। अमनवीर सिंह बैस जो आयुक्त नगर निगम सतना थे, तो उन्होंने मेरे से एक बार फोन में बात की और मेरे से कुछ कागजात मांगे कि आप KK स्पन के मेरे को कुछ कागजात दीजिए, इसको ब्लैक लिस्टेड करना बड़ा दबाव है ऊपर से कि इसको ब्लैक लिस्टेड नहीं करना। KK स्पन एक ऐसी कंपनी थी जो उत्तर प्रदेश जल बोर्ड निगम में डिफाल्टर, चेन्नई अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में डिफाल्टर, उसके सारे प्रमाण हमने इस नगर निगम में दिए थे पर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन लोगों ने उसको ऐसा पाल रखा था कि उसको ब्लैक लिस्टेड नहीं होने दे रहे थे। ये तो CM के एक समीक्षा बैठक चल रही थी निर्माण कार्यों की, उसमें रीवा का जब नाम आया तो मृणाल मीणा जो IAS है उन्होंने सीधे बोला कि एक KK स्पन कंपनी है जो हमारे यहाँ सीवरेज का काम कर रही, तो कहीं कितने साल से कर रही है, तो उन्होंने बताया 6 साल से। कहीं क्या है प्रोग्रेस, कहीं सर सिर्फ 22%। कहीं 22% 6 साल में कितने का टेंडर, कहीं 214 करोड़, कहीं तत्काल इसको ब्लैक लिस्टेड करो। उनकी बात लिख ली और वो ब्लैक लिस्टेड हुआ। अरीवा के सम्मानित नेता फिर पीछे लग गए कि नहीं नहीं, इसको स्टैंड कराया जाए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसने रीवा शहर को बहुत सुंदर बना दिया है, मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ। और उन्होंने उसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त एक्सटेंशन फिर दिलवाया और 3 महीने बाद जब उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई तो 3% आई। जिस KK स्पन कंपनी को 700 सीवरेज प्लांट बनाना था, 12.5 MLD के सीवरेज प्लांट को जोड़ना था, उस KK स्पन कंपनी ने 32 करोड़ का भुगतान लेकर रीवा नगर निगम में कोई काम नहीं किया, 110 किलोमीटर की सड़कों को खत्म कर दिया, पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। वो सारी सड़कें
आपके टैक्स पेयर के पैसे से बनाई गई थी और आज फिर हमको उसको मरम्मत कर रहे हैं। जो उसकी रास्ता हमने किया है उससे बनाएंगे और इसके बाद जब मौका आएगा ऐसा एक समय कि उसके ऊपर हम लीगली एक्शन भी करेंगे।